देखिए, जो सभी को जय भारत, जय मूल निवासी। जी और आपका हमारा जो शोषण है, वो शोषण हमें किसी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाता है। मैं शिक्षिका से राजनीति के लाइन में उसी शोषण की वजह से मैं आई हूँ। और ये शोषण जो है, इतनी हद तक दीमक की तरह जो है फैला हुआ है, जो सरकारी तंत्र को बिल्कुल नोच दीमक की तरह चाट चुका है ये। और अभी भी अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा साल हम सरकारी का उसमें कार्यालयों में काम कर पाएंगे। सब कुछ निजीकरण की तरफ जो है बढ़ चला है। लेकिन जैसे ही मैं सरकारी कर्मचारी से राजनीति की तरफ आई, तो देखा कि किस तरीके से नेता जिम्मेवार होते हैं कर्मचारियों के शोषण के लिए, ये भी मैंने सीखा वहां पर। और जितना भी भ्रष्टाचार या शिक्षा का पतन है, या युवाओं का नशे की तरफ जाना है, या हमारे जो है मीडिया में जो है गन अश्लीलता और जो है असंस्कारी तत्वों का आना है, ये सब जो है इस देश को किस तरीके से खा रहे हैं, निगल रहे हैं, ये सब मैंने राजनीति में आकर देखा, सीखा मैंने। जी, मैडम आपसे थोड़ा ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बताया जाता है आप राजनीति के बारे में पढ़ाते होंगे, नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ाते हैं। प्रत्येक नागरिक का इस देश की जो राजनीति है, पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जी, कुछ कह रहे थे मैडम। देखिए, मैं जो है मैं मैथ्स की टीचर रही हूँ। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसे ही नहीं है, बिना पढ़े वो पास नहीं हो सकता, बिना उसमें अटेंशन दिए बच्चा पास नहीं हो सकता है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करी, एक तो हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि पॉलिसियां बन जाती हैं, वो खत्म हो जाती है, लेकिन जनता को पता नहीं होता उसका मीनिंग क्या है। आज भी देश का दुर्भाग्य है कि नो डिटेंशन पॉलिसी, ना तो बच्चे को पता ना टीचर्स को पता कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है। ये फॉरेन की पॉलिसी हमारे देश में लेके आए ये लोग कि ए फर्स्ट टू एट तक बच्चा जो है एग्जाम जो है नहीं देगा। अगर हम जो है फॉरेन अगर पॉलिसी कोई ला रहे हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मायने रखता है, उसका स्टूडेंट टीचर रेशो भी मायने रखता है, और उसका जो है आपका टेक्निक्स भी मायने रखती हैं। लेकिन हमारे भारत में जब नो डिटेंशन पॉलिसी लेके आए, तो किसी चीज को भी मायने नहीं दिया, ना तो टीचर स्टूडेंट रेशियो को मायने दिया इधर, ना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, ना आपकी जो कोई फैसिलिटी है, जो मॉडर्न फैसिलिटी कोई यहाँ पे है। बस इन्होंने एक ही नॉलेज है या नहीं है। इससे क्या हुआ कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, और वो जो है एक ही बात समझ गए कि भाई सरकार हम तो रोज हमेशा पास हो जाने हर साल, जिससे उनका बेस खराब होता चला गया। फिर हमारे हमें ऑर्डर मिलते हैं कि 10th में और 12th में टीचर्स जो है अपनी क्लासेस में जाएंगी बोर्ड एग्जाम में, और 33% मार्क्स का जो है आप बच्चे को करा के आओगे, ताकि रिजल्ट जो है 100% आ सके 10th और 12th का। तो इससे जी जो है जो हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड है, जो मूल निवासी का जो बच्चा है, वो 90% बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। इससे उनका स्टैंडर्ड जो है, हम डिग्रियां जो है अनपढ़ लोगों को डिग्रियां बांट रहे थे, ये बहुत ही चिंता का विषय था। मैंने इसको डायरेक्टर डीडी, यहाँ तक कि सीएम केजरीवाल जी को भी, मनीष सिसोदिया जी को भी, इनके संज्ञान में भी हम लेके आए कि भाई नो डिटेंशन पॉलिसी या तो हटा देनी चाहिए, या उसको फुल फ्लैश रूप में जैसे वहां पर फॉरन में चलाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग पूरे रूल फॉलो करने चाहिए। लेकिन मैं एक शूद्र जाति से हूं, तो मुझे जो है मेरी बात पहले तो सुनी ही नहीं गई, और उठा के मुझे सस्पेंड जरूर कर दिया गया। जी मुझे इससे पहले नहीं पता था कि इस भारत में इतना जातिवाद है, इससे पहले मुझे नहीं पता था। स्कूलों में जो हेड ऑफ स्कूल होते हैं, या ऊपर जितनी भी पोस्टें हैं, सब पर स्वर्ण जाति के लोग बैठे हैं,
उनमें एक यूनिटी सी बनी हुई है और हम उनकी चालों को समझ नहीं पाते हैं। वो एक ऐसे जो है घेरते हैं जो पढ़ाने वाला जो सिंसियर जो मेहनती और जो और इन कास्टों से आता है उसको वो घेरने का काम करते हैं। वही मेरी डीडी डायरेक्टर ने भी किया, मुझे घेरने का काम किया। उन्होंने उन्हें लगा कि भाई मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी बैठे हैं यहाँ पर और इसको जो है यहाँ पर सस्पेंड करा देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और मुझे जो है त्यागराज स्टेडियम में टीचर्स डे वाले दिन सस्पेंड कर दिया गया। फिर मुझे कहीं मुझे मेरी आत्मा ने झंझोरा मुझे कि मैं तो कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो सिंसियरली जो है ना चिटिंग होने देती हूँ और मैं हर क्लास अपनी उससे लेती हूँ और बच्चों को अच्छे से मैथ्स कराती हूँ, मेरे को कोई नहीं सस्पेंड कर सकता, ये गलती हो गई है। मैं मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी के पास गई लेकिन उन्होंने मुझे धुतकार दिया, उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, फोर्स और बढ़ा दी कि ये तो एक आत्मघाती महिला है। जी। उन्होंने ये कहा कि आप बोले थे, बिल्कुल, तो ये शोषण जो है। फिर मैंने देखा कि भाई ये क्या है सिस्टम। फिर मैंने टीचर यूनियन में मैं काम कर रही थी, केजरीवाल जी ने वादा किया कि सारे टीचर्स मेरा साथ दो, आपका मान सम्मान जी मैडम सारी बातें जो है धोखा निकलने लेने के उसके बाद टीचर यूनियन ने मुझे कहा आप आवाज उठाते आज हमारे साथ चलिए आज आप। बिल्कुल मैं उनके साथ गई, उन्होंने कोई भी जैसे जो है ना हम धूप में 8-9 घंटे बैठे रहे जी। लेकिन उनकी जो है ना भी नहीं रहेंगी उनके उस पर। तब मैंने सिस्टम में आई, कोई चीज होता है। तब जैसे ही मैं समाज में आई तो मैंने देखा कि ये जातियां भी बहुत कुछ मायने रखती हैं।